तो आगे हम बात करते हैं इम्पॉवरिशमेंट ऑफ पीजेंट्री की। तो इम्पैक्ट क्या हुआ अलग अलग सेटलमेंट्स का? शुरू शुरू में जब ब्रिटिशर्स का रूल जो बंगाल के अंदर जो स्टार्ट हुआ, तो जो रॉबर्ट क्लाइव और वॉरेन हेस्टिंग्स की जो यहाँ पर जो पॉलिसीज रही, रॉबर्ट क्लाइव एंड वॉरेन हेस्टिंग्स, कि जितना रेवेन्यू वो यहाँ से निचोड़ सकते हैं उतना निचोड़ें, इसकी वजह से लार्ज स्केल डिवास्टेशन हुआ, ना कि सिर्फ एग्रीकल्चर लैंड्स का, क्योंकि अब ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रेशराइज करना स्टार्ट हुए फार्मर्स को कि और प्रोड्यूस करो और प्रोड्यूस करो और प्रोड्यूस करो, इंडिगो प्रोड्यूस करो, ये प्रोड्यूस करो, कैश क्रॉप प्रोड्यूस करो, जिसकी वजह से ज़मीन जो है उसकी बैंड बच गई, उसकी लंका लग गई। ठीक है, इट हैड लेड टू सच डिवास्टेशन डैट इवन कॉर्नवालिस कंप्लेंट डैट 1/3 ऑफ बंगाल हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ जंगल इनहैबिटेड बाय ओनली वाइल्ड बीस्ट। वहां पर अब कोई जो है खेती बाड़ी करने के लिए अच्छी धरती बची नहीं थी उस टाइम पर। जब लॉर्ड कॉर्नवालिस जब आते हैं तो वो इस चीज़ की कंप्लेंट करते हैं कि यहाँ से मैं रेवेन्यू निकालूँ तो कैसे निकालूँ, पीजेंट्स की भी गलती नहीं है, कुछ बचा ही नहीं है यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करने को, प्रोड्यूस करने को, रेवेन्यू निकालने को। तो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था, तो उन एरियाज में पीजेंट जो हैं दे वर लेफ्ट टू द मर्सी ऑफ द जमींदार्स हु रेज रेंट्स टू अनबियरेबल लिमिट्स। मतलब जितना किसान जो है वो अगर प्रोड्यूस कर भी ले उतनी कमाई उनको वहाँ से नहीं हो रही है बिल्कुल भी, और ऊपर से इनसे जो लैंड रेवेन्यू की डिमांड करी जा रही है जितनी उनकी कमाई नहीं है उससे ज़्यादा करी जा रही है। तो इट कंपेल्ड देम टू पे इलीगल ड्यूज एंड टू परफॉर्म फोर्स लेबर या फिर बेकार, एंड दे वर ऑप्रेस्ड इन डाइवर्स वेज। जो कंडीशन थी कल्टीवेटर्स की इन द रैयत वाली एंड द मालवारी एरियाज, ये भी कोई ज़्यादा ठीक नहीं थी। यहाँ पर जो गवर्नमेंट है दे टुक द प्लेस ऑफ द जमींदार्स, और सरकार ने जब बोला कि हम जमींदार को चलो यहाँ से हटा रहे हैं, इरेडिकेट कर रहे हैं, तो एक टाइम के लिए किसानों को एक आश्वासन लगा, एक विश्वास लगा, एक भरोसा लगा कि ठीक है हमारी मदद हो जाएगी। लेकिन अगेन था क्या, जो सरकार है दे लिवाइड एक्सेसिव लैंड रेवेन्यू विच वॉज इन द बिगिनिंग फिक्स्ड एज हाई एज 1/3 to 1/2 ऑफ द प्रोड्यूस। तो पॉवर्टी, ये जो पीजेंट्री है उनकी पॉवर्टी और इम्पॉवरिशमेंट के पीछे एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। अलग अलग तरह के लैंड सेटलमेंट्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस होना, अलग अलग तरह की पॉलिसीज अंग्रेजों के द्वारा इंट्रोड्यूस होना। उसके बाद नो इकोनॉमिक रिटर्न टू द फार्मर्स, हाई रेवेन्यू डिमांड जो करी जा रही थी किसानों से, उसका एक बहुत बड़ा दुष्प्रभाव ये था कि पीजेंट्स गॉट लिटिल इकोनॉमिक रिटर्न फॉर इट। इनको बदले में कुछ अच्छा मिलता ही नहीं था, पैसा वगैरह या फिर प्रोड्यूस जो है वो तो पूरा का पूरा फोर्सफुल तरीके से जा ही रहा है अंग्रेज़ों के पास, क्योंकि वो डिमांड कर रहे हैं कि हमारे पास ये जो फूड प्रोडक्शन है, जो सॉरी क्रॉप प्रोडक्शन है, वो हमारे पास आनी चाहिए, और बदले में इनको कुछ मिल नहीं रहा है। तो गवर्नमेंट स्पेंड वेरी लिटल ऑन इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर। जो ब्रिटिश हैं दे स्पेंड ऑलमोस्ट इट्स एंटायर इनकम फॉर मीटिंग द नीड्स ऑफ ब्रिटिश इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, मेकिंग द पेमेंट ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ट्रिब्यूट टू द मेकिंग पेमेंट्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ट्रिब्यूट टू इंग्लैंड एंड सर्विंग द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश ट्रेड एंड इंडस्ट्री। यानी कि यहाँ पर शोषण कर रहे हैं किसानों का, रेवेन्यू जो आ रहा है वो किसानों के पास जा नहीं रहा है जो कि रियल कल्टिवेटर्स हैं, और वो पूरा का पूरा रेवेन्यू जो है वो इंग्लैंड जा रहा है, लंदन जा रहा है, क्वीन और किंग के यानी कि मोनार्क के ऐशो आराम के लिए। ठीक है, उसके बाद रेवेन्यू कलेक्शन का जो तरीका था इट वॉज वेरी रिजिड। द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एक्सेसिव लैंड रेवेन्यू डिमांड दे वर फर्दर हाइटेंड बाय द रिजिड मैनर ऑफ इट्स कलेक्शन। लैंड रेवेन्यू जो था इट हैड टू बी पेड प्रॉम्प्टली ऑन फिक्स डेट्स। अगर भले किसानों की जो हार्वेस्ट है, जो फसल है वो बेकार हुई है, उनमें कीड़े लग गए, या फसल जितनी होनी चाहिए थी उतनी हुई नहीं, अंग्रेजों को इससे कोई भी मतलब नहीं था। वेन एवर द पीजेंट्स फेल टू पे लैंड रेवेन्यू गवर्नमेंट जो है दे पुट हिज लैंड ऑन द सेल टू कलेक्ट द अरियर्स ऑफ रेवेन्यू। बट बड़े सारे एरियाज में पीजेंट हिमसेल्फ टुक दिस स्टेप एंड सोल्ड पार्ट्स ऑफ हिज लैंड, ताकि अंग्रेज बेचें उससे बढ़िया कि ज़मीन हमारे पास रहेगी, हम ही बेच देते हैं इसको सही टाइम पर, ताकि गवर्नमेंट की डिमांड को या रेवेन्यू डिमांड को मीट कर सकें। दोनों केस में उसका लैंड तो उसके हाथ से जा ही रहा है, उसका पार्ट तो उसके हाथ से जा ही रहा है। ठीक है, उसके बाद डेट ट्रैप, द इनएबिलिटी टू पे रेवेन्यू इट ड्रोव द पीजेंट टू बोरो मनी एट हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट मनी लेंडर से। तो ही प्रेफर्ड गेटिंग इन टू डेट, अपने जमीन को गिरवी रख के मॉर्गेज करके मनी लेंडर के पास, एंड रिच पीजेंट
या फिर रिच पीजेंट नेबर के पास, लूजिंग इट आउट राइट, मतलब एक तरीके से अगर ज़मीन किसी की भी पास रख दी तो ऑब्वियस ही बात है आप उसका मालिकाना हक जो है वो खो चुके हो। अब अगर आप उसको पैसे वापस नहीं कर पाए तो ज़मीन को वही हड़प कर रख लेगा, ठीक है, जो अमीर पीजेंट होगा आपने जिसको दे रखा है, या फिर मनी लेंडर को। तो ही वॉज ऑल्सो फोर्स टू गो टू द मनी लेंडर, किसान की बात हो रही है पर पीजेंट की बात हो रही है, जब भी उसको ये लगता था कि वो रेवेन्यू जो डिमांड है उसको मीट कर ही नहीं सकते जितनी कि अंग्रेज़ों से डिमांड कर रहे हैं, तो मनी लेंडर जो है, और मनी लेंडर को भी वो पैसा नहीं दे सकता है जो कि उसने ले रखा है ब्याज पर उससे, मनी लेंडर जो है बहुत ज़्यादा ब्याज जो है वो चार्ज करते थे, एंड दे गॉट द पीजेंट डीपर एंड डीपर इन टू द डेट टिल ही पार्टन विद हिज लैंड, जब तक जो टिल ही पार्टेड विद हिज लैंड, मतलब एक तरीके से जब तक उसकी ज़मीन उसके हाथ से चली नहीं गई। मनी लेंडर वॉज ग्रेटली हेल्प बाय द न्यू लीगल सिस्टम एंड द न्यू रेवेन्यू पॉलिसी जो कि उनके फेवर में थी और किसानों के अगेंस्ट थी। तो क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया 1857 से पहले की अगर हम लोग बात करें तो उस टाइम पर पीजेंट मूवमेंट्स का नेचर कैसा होता था। जो पीजेंट मूवमेंट्स थी, यहाँ पर हमें कुछ कुछ पीजेंट मूवमेंट्स का एक रिलीजियस नेचर भी देखने को मिलता है, धार्मिक एंगल भी है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन इनकी जो टेरिटोरियल आउटरीच थी वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड थी। लीडरशिप कोई भी जो लीडरशिप थी किसी भी किसान आंदोलन की, ये नेशनल लेवल पे नहीं थी। एजेंडा जो था एंटी कॉलोनियल नहीं था, लेकिन इट वॉज नेशनलिस्ट इन नेचर, इट वॉज नॉट एंटी कॉलोनियल और नेशनलिस्ट नेचर, बट रेदर टू एड्रेस द लोकल ग्रेवांसेस, जो जिस रीजन में जिन किसानों को दिक्कत आ रही है वो आपस में एक दूसरे का भला करना चाह रहे हैं, अपना भला करवाना चाह रहे हैं, उनका मकसद ये नहीं है कि अंग्रेजों को देश से निकाल कर फेंक देना है। उसके बाद द नेचर ऑफ द मूवमेंट वॉज सेमी फ्यूडल, काफ़ी बैकवर्ड थी ये मूवमेंट और ट्रेडिशनल थी अपने आउटलुक में। इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही था कि जो इनके पुराने राइट्स हैं उनको रिस्टोर करवाना, ठीक है, और जैसे इनका मालिकाना हक जो वहाँ पर होता था ज़मीनों पर वो उनको वापस मिले, और जिस भी तरीके से सोसाइटल रिलेशनशिप इनके थे वो रिस्टोर कर जाए। अब सोसाइटल रिलेशनशिप या सोशल रिलेशंस के एंगल की यहाँ पर इसलिए बात हो रही है, बड़े सारे आउटसाइडर्स जो ये मनी लेंडर्स रिच जमींदार्स वगैरह यहाँ पर जो चले आए हैं, जो कि अंग्रेज़ों के दलाल बनकर यहाँ पर रहकर इनका शोषण कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू इनसे डिमांड कर रहे हैं, ये इनके सोसाइटी का कभी पार्ट थे ही नहीं। तो किसानों को ये लगा, जब हमारे जो, याद है अभी हम ऊपर पढ़ रहे थे प्रीवियस लेक्चर के अंदर, कि जो पुराने जो हमारे जो ज़मींदार थे वही बेटर थे, क्योंकि वो हमें समझते थे कि एक हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी के काम आ सकता है, लेकिन जब से ये बाहर के मनी लेंडर्स वगैरह आए हैं इनका एक ही मकसद है, इनको हमारी परिस्थिति से कुछ लेना देना नहीं है, ये सिर्फ हमारा शोषण करना चाहते हैं। तो पीजेंट जो थे दे वर नॉट अवेयर ऑफ द लीगल राइट्स एंड नेवर एजर्टेड देयर राइट्स इनसाइड एंड आउटसाइड द कोर्ट, क्योंकि वो पता भी नहीं था उनको कि जुडिशल सिस्टम कैसे वर्क करता है और इनको कंप्लेंट किसको करनी है। उसके बाद इट गेव अ सर्टेन लेवल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस टू द एग्रीव्ड पीजेंट्स दैट दे कुड स्टैंड अप फॉर देमसेल्व्स एंड दस देयर कलेक्टिव एफर्ट्स एंड ट्रबल्स अक्रॉस द कंट्री दे फाइनली कल्मिनेटेड इन टू अ नियरली नेशन वाइड रिवोल्ट ऑफ 1857। जो किसान बहुत ज़्यादा परेशान थे और उनकी व्यवस्था चरमरा गई थी, आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो गई थी अंग्रेज़ों के ज़्यादा रेवेन्यू मांगने की वजह से, उन्होंने 1857 की क्रांति में भी पार्टिसिपेट करा इस उम्मीद के साथ कि अंग्रेज़ जो हैं वो भारत को छोड़कर जाने वाले हैं या वो खदेड़ के फेंक दिए जाएंगे भारत से, इस विश्वास के साथ उन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट करा था। तो हम बात करें पोस्ट 1857 की, तो 1857 की क्रांति जब हुई उसके बाद गवर्नमेंट शोड अ पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट टुवर्ड्स द इंडिजिनियस पॉपुलेशन, क्योंकि अब तो वो शोषण करने का सोच ही नहीं सकते हैं उनको, क्योंकि लगा इतनी बड़ी क्रांति हुई है, हमारा इतना सारा मैन मटेरियल यहाँ पर खर्च हुआ है, इतने सारे सैनिक वगैरह ये सब जो मारे गए हैं, पूरा देश आग बबूला हो गया, जैसे मतलब इतनी मुश्किल से मुशक्कत से बचते बचाते हमने हिंदुस्तान को संभाल के रखा है, हिंदुस्तान हमारे हाथ से छूट छूट ही जाता। तो दे अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट टुवर्ड्स द इंडिजिनस पॉपुलेशन सिंस इट वॉन्टेड टू मिनिमाइज एनी फ्यूचर चांसेस ऑफ रिवोल्ट, जिस तरीके से 1857 में देखा गया था। तो 1857 के बाद जो हमें पीजेंट मूवमेंट जो देखने को मिलती हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, आपने अभी जो देखा वो 1857 से पहले वाली को देखा। तो 1857 की क्रांति के बाद जो पीजेंट मूवमेंट जितनी भी होती हैं, तो वो क्या था, अब देखो
पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट भी तो काम नहीं आ रही है इनकी अंग्रेजों की, क्योंकि अगर ऐसा होता तो 1857 की क्रांति के बाद फिर दोबारा से पीजेंट रिवोल्ट क्यों हो रहे हैं? ठीक है, अब जो पीजेंट थे दे नाउ फॉर डायरेक्टली फॉर देयर ओन डिमांड्स विच सेंटर्ड ऑलमोस्ट होली ऑन द इकोनॉमिक इशूज बट नॉट रिलीजियस एंड अगेंस्ट देयर इमीडिएट एनिमीज फॉरन प्लांटर्स या इंडिजिनियस जमींदार्स या मनी लेंडर्स. अब वो खुद ही लड़ रहे हैं अपने इशू के लिए और डायरेक्टली लड़ रहे हैं. जो पीजेंट्स हैं, जो पीजेंट की जो प्रोटेस्ट थी 1857 के बाद, इट वॉज द रिजल्ट ऑफ एक्सेसिव एंड अनबियरेबल ऑपरेशन, अनड्यू एंड अनयूजुअल डिप्राइवेशन एक्सप्लॉटेशन एंड अ थ्रेट टू द पीजेंट्स एग्जिस्टिंग एंड एस्टेब्लिश पोजिशन. जो पीजेंट्स थे, जो छोटे और मझले किसान थे, अक्सर वो रेबिलियन का सहारा लेते थे जब उन्हें ये लगता था इट वॉज नॉट पॉसिबल टू कैरी ऑन इन द एग्जिस्टिंग मैनर. जो हालात जैसे चल रहे हैं, जो सब कुछ वैसे व्यवस्था चल रही है, अब ये उसमें और ज़्यादा चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकते. तो 1857 के बाद जो पीजेंट मूवमेंट्स हुई, प्रायर टू 1857, यहाँ पर भी एक चीज़ सिमिलर है. दे ऑल्सो लेट कॉन्टीन्यूटी ऑफ स्ट्रगल और लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशन वंस द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मूवमेंट वर अचीव्ड. इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी, जो इनका सपोर्ट था और जितने भी लोग ये साथ में आते थे, इट डिजॉल्व एंड डिसअपीयर्ड. तो दस द इंडिगो स्ट्राइक, द पाबना एग्रीरियन लीग्स एंड सोशल बॉयकॉट मूवमेंट्स ऑफ द डेक्कन राइट्स, इट लेफ्ट बिहाइंड नो सक्सेसर्स. आगे चलकर अगर कुछ भी गलत होता है तो ये मूवमेंट डिसबैंड हो जाती थी. फिर अंग्रेज जो होते थे, जब इनको पता लग जाता था कि अब एक ऑर्गेनाइज फॉर्म के अंदर नहीं है, धीरे धीरे करके सारे लीडर्स को, उनके राइट्स को अंग्रेजी हुकूमत कुचल डालती थी. बहुत बार ऐसे इंस्टेंसेस हमें देखने को मिले हैं. उसके बाद द टेरिटोरियल रीच ऑफ दीज मूवमेंट्स वॉज ऑल्सो लिमिटेड. कितने रीजन्स तक ये मूवमेंट गई, ये भी काफ़ी कम था. द पीजेंट मूवमेंट्स इन दिस फेज वर कैरिड आउट बाय वेल इन्फॉर्म्ड पीजेंट्स, जिनको अपने लीगल राइट्स पता थे, एंड दे डिडंट शाय अवे फ्रॉम एजर्टिंग दोज. फॉर एग्जाम्पल, द पीजेंट डिड नॉट फाइट फॉर द लैंड ओनरशिप और अगेंस्ट लैंड लॉर्डिज्म बट अगेंस्ट इविक्शन एंड अनड्यू इन्हेंसमेंट ऑफ द रेंट. इनको दिक्कत ये नहीं थी कि हमें लैंड ओनरशिप चाहिए या फिर लैंड लॉर्ड्स को खदेड़ फेंको, हमें क्यों जबरदस्ती यहाँ से निकाला जा रहा है हमारी जमीन से, या फिर हमसे जो है रेंट की डिमांड या वसूली क्यों करी जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू की वसूली क्यों करी जा रही है. इन्होंने इसके खिलाफ लड़ा. ठीक है, जो पीजेंट से दे डिड नॉट ऑब्जेक्ट टू पेइंग इंटरेस्ट ऑन द सम्स ही हैड बोरोड, बट उनको ये था कि मनी लेंडर काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड है, इतने तो पैसे हमारे बनते ही नहीं है, इतना तो रकम हमने बोरो करी, ये लोन पे ली नहीं है इतनी रकम, तो उस पर इतना ज़्यादा ब्याज कैसे बन सकता है जो हमारा खत्म ही नहीं हो रहा. ठीक है, तो वेन द मनी लेंडर डिप्राइड द पीजेंट ऑफ हिज लैंड, द इंडियन पीजेंट शोड ग्रेट करेज एंड स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस, रिमार्केबल ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटीज एंड अ सॉलिडेरिटी डेट कट अक्रॉस रिलीजियस एंड कास्ट. मतलब सारे लोग मिलजुल कर आए. यहाँ पर ऐसा नहीं था कि पीजेंट मूवमेंट के अंदर 1857 के बाद पीजेंट्स ये करें कि नहीं, हमारे रिवोल्ट में तो सिर्फ मुसलमान लोग ही शामिल होंगे, सिर्फ सिख लोग ही शामिल होंगे, सिर्फ हिंदू लोग ही शामिल होंगे, इसी कास्ट या इसी वर्णा के लोग जो है वो शामिल होंगे. किसान किसान है सारे किसानों के लिए, और वो सबके हालात से रूबरू हैं, वो वाकिफ हैं, तो इसलिए सबका सपोर्ट, सबके सहयोग से ही उन्होंने ये जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ रिवोल्ट को जारी रखा. तो देवर ऑल्सो एबल टू रिंग कंसिडरेबल कंसेशन फ्रॉम द कॉलोनियल स्टेट. आगे चलकर उनकी स्थिति में एक परिवर्तन आया, उनकी स्थिति काफ़ी बेटर हुई जब अंग्रेज़ी हुकूमत ने उनको कंसेशन भी दिए कि हाँ ठीक है, अब तुम इतना इतना रेंट दे देना, तुम इतना इससे ज़्यादा रेंट नहीं देना, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है. ठीक है, द मूवमेंट्स वर हाईली कंसोलिडेटेड एंड हैड क्लियरली डिफाइंड मैनिफेस्टोस. इनको पता था कि इनको क्या अचीव करना है. उसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं फेजेस ऑफ पीजेंट मूवमेंट्स इन इंडिया. पीजेंट मूवमेंट भारत के अंदर जो है, इट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू थ्री डिफरेंट टाइम फेजेस. पहला फेज 1857 से लेकर 1921 तक. पीजेंट मूवमेंट्स इस फेज के अंदर जो थी, दे वर कैरेक्टराइज बाय द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर लीडरशिप. याद रखना 57 से 1921 की बात हो रही है, यहाँ कोई अच्छी लीडरशिप नहीं है. इस टाइम पीरियड पर द मेन रीजन फॉर स्पॉन्टेनियस पीजेंट अपराइजिंग कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में वो क्या थी, हाई हैंडेडनेस ऑफ जमींदार्स या लैंडलॉर्ड्स. मतलब सारी की सारी जमीन का मालिकाना हक जो जमींदार थे, लैंडलॉर्ड्स जो थे, उनके हाथ में था, और वो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू की डिमांड इनसे करते थे.
दिस फेज इज ऑल्सो कैरेक्टराइज बाय पीरियोडिक फेमिन्स, यहाँ पर अकाल आते रहे बड़े सारे, इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ है, ठीक है, लीडिंग टू अ नंबर ऑफ पीजेंट रिवोल्ट्स। तो इस टाइम की जो पीजेंट रिवोल्ट्स है 57 से लेकर 21 तक, 1921 तक, बहुत फेमस वो कौन कौन सी है, संथल रेबेलियन जो कि 1857 से थोड़ा सा पहले 1855, मराठा अपराइजिंग 1875, बंगाल टेनेंट स्ट्रगल 1870 to 1885, चंपारण सत्याग्रह 1970 to 1918, खेड़ा सत्याग्रह 1918 एंड मोपला रेबेलियन 1921। अभी हम पढ़ेंगे इन सारी रेबेलियंस के बारे में, लेकिन आप पहले एक चीज समझने की कोशिश करो, संथल रेबेलियन ऑल्सो नोन एज संथल हुल, इसको एक ट्राइबल मूवमेंट के तौर पर क्लासिफाई करा जाता है बड़े सारे स्कॉलर्स के द्वारा, तो राइटर आपको ये बता रहा है जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर भी देखा था। हाउएवर दिस मूवमेंट कंप्राइज लोअर क्लास पीजेंट्स एज वेल, देयरफॉर संथल मूवमेंट कैन बी स्टडीड बोथ अंडर पीजेंट मूवमेंट ऑल्सो एंड ट्राइबल मूवमेंट ऑल्सो, मतलब आप दोनों में इसको यूज कर सकते हो अपनी आंसर राइटिंग में। सेकेंड फेज जो स्टार्ट होता है, पहला फेज था 1857 से लेकर 1921 तक, दूसरा फेज है 1923 से लेकर 1946 तक। दिस फेज वॉज मार्क्ड बाय द इमर्जेंस ऑफ क्लास कॉन्शियस पीजेंट ऑर्गेनाइजेशंस। अब इनको ये पता था कि अगर हमें अपनी डिमांड को एक डायरेक्शन देनी है, मतलब पीजेंट्स को ये पता था अगर हमें अपनी डिमांड को एक डायरेक्शन देनी है तो उसके लिए हमें प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज तरीके से चलना पड़ेगा। जो कांग्रेस की जो पॉलिसी थी कि वो जमींदार के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करेंगे, ठीक है, लैंडलॉर्ड्स के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करेंगे, इट लेड टू द इमर्जेंस ऑफ दिस इंडिपेंडेंट क्लास ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ किसान्स इन रूरल इंडिया। उन्होंने देखा कि कांग्रेस भी जो है वो सिर्फ जमींदारों और लैंडलॉर्ड्स की भाषा बोल रही है, हम जो है इंडिपेंडेंट तरीके से स्वतंत्र रूप से अपनी ऑर्गेनाइजेशन चलाएंगे ताकि हम अपनी डिमांड को पुट फॉरवर्ड कर सकें, और यहाँ और किसी भी हुकूमत को फिर चाहे वो कांग्रेस वाले हो चाहे वो अंग्रेजी हुकूमत हो, उनको ऐसा लगे कि ये डिमांड एक दो लोग या गिने चुने लोग नहीं रख रहे हैं इनके सामने, ये बहुत सारे लोगों की वॉइस है, बहुत सारे लोगों का कंसर्न है। तो एग्जाम्पल क्या है पीजेंट मूवमेंट्स के इंडिया के अंदर, ऐसे किसान सभा मूवमेंट जो बिहार में स्टार्ट हुई अंडर द लीडरशिप ऑफ स्वामी सहजानंद सरस्वती इन 1929, ऑल इंडिया किसान सभा जो कि फॉर्म हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के लखनऊ सेशन में अप्रैल 1936 में, विद स्वामी शाहजानंद सरस्वती इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा। जो कम्युनिस्ट थे दे वर द मेजर फोर्स दैट मोबिलाइज द पीजेंट्स, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया दे स्टार्टेड सीरियस एंगेजमेंट विद द पीजेंट्री आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा। फिर तेभागा मूवमेंट जो कि बंगाल में लॉन्च हुई थी 46 से 47 तक, एंड तेलंगाना मूवमेंट इट वॉज लॉन्च इन तेलंगाना इन 1946 to 51। अगर हम लोग बात करें आज़ादी के बाद के फेज की, जैसे कि हम लोग यहाँ पर फर्स्ट फेज सेकंड फेज देख रहे थे, तो सेकंड फेज खत्म हो गया था 1946 तक, क्या आज़ादी के बाद भी पीजेंट मूवमेंट्स हुई हैं? जी हाँ बिल्कुल हुई है। दिस फेज विटनेस द अनइंटरप्टेड कॉन्टिन्यूटी ऑफ एग्रेरियन मूवमेंट्स ड्यू टू फेलियर ऑफ द रूलिंग पार्टी, कि वो उनके इशू को रिजॉल्व कर सकें, इनकी बेसिक प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकें, जो भी रूरल क्लास इंडिया के अंदर मतलब जो इन्वॉल्व थे, ठीक है, खेती बाड़ी के सेक्टर की बात हो रही है यहाँ पर। लैंड रिफॉर्म्स हैड ओनली इंटेंसिफाइड द एग्रीरियन क्लासेस, सरकार ने ऑब्वियसली बात है लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे थे, आपको पता है फर्स्ट फाइव ईयर प्लान से लेकर फाइव ईयर प्लान तक अलग अलग लैंड रिफॉर्म्स आते रहे हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पर भी बड़े सारे रिफॉर्म्स आए, जैसे कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, लैंड सीलिंग एक्ट्स एक्सेट्रा। तो इसकी वजह से एग्रीरियन क्राइसिस और ज़्यादा बड़ा है ना कि कम हुआ था आज़ादी के बाद। गवर्नमेंट जो है इट हैड नॉट ओनली फेल्ड इन प्रोवाइडिंग रिलीफ टू द वास्ट बल्क ऑफ डेफिसिट फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर लेबर्स, लेकिन उसकी जो एग्रीरियन पॉलिसी थी इसकी वजह से किसानों की मुसीबतें और दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ गई, एंड दिस रिजल्टेड इन द डिसकंटेंट इन द एग्रीरियन सोसाइटी आज़ादी के बाद भी, विच लेड टू सीरीज ऑफ पीजेंट स्ट्रगल्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब हम अलग अलग इस चैप्टर में पीजेंट मूवमेंट्स को देखेंगे 1857 से पहले, और कुछ पीजेंट मूवमेंट्स को हम लोग देखेंगे 1857 के बाद, ठीक है। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।